नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ सिविल इंजीनियर प्रीतिश। दोस्तों, सबका पसंद 30x40 फीट 1200 स्क्वायर फीट घर का नक्शा आज हम देखेंगे। इसमें क्या क्या डिज़ाइन किया गया है, कितना रूम रहेगा, कितना पिलर रहेगा, घर बनाने के लिए कितना कॉस्ट पड़ेगा, सारा का सारा डिटेल में बात करेंगे। पहले डायरेक्शन आप नज़र कर लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आपका जो एंट्रेंस रहेगा ईस्ट की तरफ से रहेगा पूर्व मुखी घर का नक्शा। दोस्तों यहाँ पे आप नज़र कीजिए, जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे, पहले आप लोगों को यहाँ पे देखिए स्टेयरकेस मिल जाएगा। आप ऐसे सी शेप में आप लोग यहाँ पे स्टेयरकेस मिलेगा। आप ऐसे क्लॉकवाइज मूवमेंट लेकर ऊपर जाएंगे और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को 8x8 फीट 4 इंच का स्पेस भी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। आप अगर चाहें तो यहाँ पे सोफ़ा वगैरह लगा के बैठ भी सकते हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ पे बाइक वगैरह भी दोस्तों आराम से आप पार्क कर सकते हैं। और उसके बगल में आप अगर नज़र करेंगे पूजा रूम मंदिर, 7x10x11x5 इंच का आप लोगों को यहाँ पे मंदिर दिया गया है। और दोस्तों और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको, देखिए स्टेयरकेस एंट्री के पोर्शन में ही दिया गया है, जो कि सभी अभी जब घर बना रहे तो स्टेयरकेस बाहर की तरफ से रखते हैं एंट्री के पोर्शन में ही, ताकि अगर फर्स्ट फ्लोर रेंट पर देना चाहते हैं तो आराम से दे सकते हैं। और यहाँ पे पूजा रूम 7x10x11x5 इंच का काफ़ी साइज़ है। यहाँ पे एक विंडो दिया गया है वेंटिलेशन के लिए। पूजा रूम का आप अगर मंदिर का आप अगर दिशा आप अगर नज़र करेंगे नॉर्थ ईस्ट, जो आपका ईशान कोण हो रहा है, वहाँ पे मंदिर का प्लेसमेंट किया गया है। और लेफ्ट साइड में पूरा आप अगर नज़र करेंगे रसोई घर 8x11x5 इंच का यहाँ पे डबल विंडो दिया गया है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। क्योंकि देखिए जब रसोई करने के वक्त क्या होता है कि जो आपका गैस वगैरह है वो आराम से बाहर निकल जाना चाहिए, अच्छी तरीके से वेंटिलेशन होना चाहिए। डबल विंडो इसलिए रखा गया है, आपके मन मुताबिक आप चाहें तो रख सकते हैं। और यहाँ पर आप अगर नज़र करेंगे यहाँ पर किचन का प्लेटफॉर्म जो कि 2 फीट बाहर निकला हुआ है किचन का स्लैब। और वहाँ से आप अगर आगे जाएंगे, देखिए यहाँ पे आप अगर बीच के पोर्शन में आएंगे तो हॉल और लिविंग आप लोग यहाँ पे मिल रहा है 11x9x14x1 इंच का। और लेफ्ट साइड में आप अगर नज़र करेंगे डाइनिंग किचन आपका यहाँ पे है, डाइनिंग यहाँ पे रखा गया है, डिज़ाइन किया गया है 8x9 फीट का। किचन पास में है, डाइनिंग भी पास में रखा गया है, ताकि घर के जो महिला है उनको खाना परोसने में काफ़ी आसानी होगा। यहाँ पे भी एक विंडो दिया गया है। और यहाँ पे आप अगर नज़र करेंगे दोस्तों, देखिए हॉल और लिविंग में भी एक विंडो यहाँ पे दिया गया है, ताकि हॉल और लिविंग में भी अच्छे से वेंटिलेशन होगा और रोशनी भी घर के अंदर आएगा। और यहाँ पे भी आप अगर नज़र करेंगे ये जो पैसेज रखा गया है पूजा रूम में आने के लिए, यहाँ पे भी उसने की विंडो दिया गया है। और उससे आगे आप नज़र करेंगे राइट साइड में, देखिए स्टडी रूम आप लोग यहाँ पे मिल रहा है 7x10x10 फीट का स्टडी रूम यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे एक विंडो दिया गया है वेंटिलेशन के लिए, स्टडी रूम के वेंटिलेशन के लिए। और उसके लेफ्ट साइड में आप अगर नज़र करेंगे दोस्तों, देखिए कॉमन लैट बाथ आप लोगों को मिला है 5x1x8x4 इंच का आप लोगों को कॉमन लैट बाथ मिला है। इस्तेमाल करने में काफ़ी स्पेस है। यहाँ पे एक वेंटिलेटर दिया गया है 2x2 फीट का, ताकि जो टॉयलेट का सारा जो गैस वगैरह है वो आराम से बाहर से निकल जाएगा। उससे आगे आप अगर नज़र करेंगे, देखिए बेडरूम नंबर 1 आप लोगों को मिल रहा है 11x3x12 फीट का, और राइट साइड में बेडरूम नंबर 2 11x3x12 फीट का। यहाँ पे साइज़ अगर देखा जाए तो सेम है। और यहाँ पे आप अगर नज़र करें कि इस बेडरूम में एक विंडो दिया गया है वेंटिलेशन के लिए, और इस बेडरूम में डबल विंडो दिया गया है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, ताकि अच्छे से रोशनी घर के अंदर आएगा। और इसी बेडरूम से अटैच आप लोगों को एक अटैच लैट बाथ भी दोस्तों मिल जाएगा 5x1x8x4 इंच का, सेम साइज़ है। ये जो कॉमन लैट बाथ का जो साइज़ है इसका भी सेम साइज़ है। यहाँ पर एक वेंटिलेटर दिया जाएगा 2x2 फीट का। दोस्तों ये रहेगा पूरा टोटल हमारा प्लान, यहाँ पे क्या क्या आप लोगों को मिला है आप फिर से नज़र कर लीजिए। यहाँ पे स्टेयरकेस बाहर की तरफ से दिया गया है, और स्टेयरकेस के बगल में ये जो रूम है, स्टेयरकेस के अलावा 8x8x4 इंच का आप लोगों को यहाँ पे जगह मिलेगा। और राइट साइड में मंदिर, और लेफ्ट साइड में रसोई घर किचन, उसके बगल में डाइनिंग हॉल और लिविंग, स्टडी रूम, 2 बेडरूम, 1 बेडरूम का जो टॉयलेट है जो लैटबाथ है वो अटैच है, एक आपका कॉमन मिल रहा है। ये रहेगा पूरा 2 BHK घर का नक्शा 1200 स्क्वायर फीट में। अभी दोस्तों इसमें हम बात करेंगे कि इसमें आपका कितना पिलर रहेगा और कहां कहां आप लोगों को यहां पे पिलर मिलेगा। दोस्तों पिलर का प्लेसमेंट मैं कर रहा हूं यहां पे, जो येलो कलर में आप देख रहे हैं ये पिलर का प्लेसमेंट रहेगा। आप अच्छे तरीके से थोड़ा नज़र करते जाइए दोस्तों यहाँ पर। पहले दोस्तों वो पिलर का प्लेसमेंट मैं कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम काउंट करेंगे कि कितना पिलर आपका यहाँ पे रहेगा।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। तो उसने कुल मिला के यहाँ पे 16 पिलर आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। 16 पिलर में ये घर बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और इसका जो एरिया हो रहा है आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इसका एरिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका एरिया और आज के डेट में इसमें घर बनाने के लिए कितना कॉस्ट पड़ेगा ये भी दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए 14 लाख से 15 लाख रुपए में ये घर बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इसमें आपका मटेरियल कॉस्ट, इसमें आपका लेबर कॉस्ट, सबको दोस्तों मिला के 14 लाख से 15 लाख रुपए में ये शानदार घर बन के एकदम से तैयार हो जाएगा, अप टू फिनिशिंग तक, पूरा घर खत्म होने तक। दोस्तों ये था आज का हमारा 30x40 1200 स्क्वायर फीट घर का नक्शा। ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद है, आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नीचे आप लोगों को सब्सक्राइब दिख रहा होगा रेड कलर में, उसको प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने के बाद आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, उसके बाद आपको ऑल पे प्रेस करना है ताकि हमारा जितना भी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को तुरंत ही सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर आप लोगों को ऐसे ही घर का नक्शा, प्लान डिजाइन, 3D मॉडल, घर का वर्क थ्रू, हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हर तरह का वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिला होगा, आप लोगों को कुछ आइडिया मिला होगा कि 30x40 में क्या क्या डिज़ाइन हो सकता है। दोस्तों ऐसे 30x40 काफ़ी सारा वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके आप चेक कर सकते हैं और काफ़ी सारा आइडिया भी आप ले सकते हैं। आप अगर घर का नक्शा बनाना चाहते हैं पूरी तरीके से वो उसको भी आप हमें हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, हमारा व्हाट्सअप नंबर, हमारा मेल आईडी, आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद उसका आगे का जो प्रोसेस रहेगा आप लोगों को वहाँ पे बता दिया जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।